डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से एसपी मौर्य पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव जितना लिख कर देते हैं उतना ही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और समाजवादी पार्टी ने दो नाव में पांव रखा है कि हमको दोनों तरफ फायदा मिल जाए, हिंदुत्व का विरोध करें, राम मंदिर का विरोध करें, श्री रामचरितमानस का विरोध करें और दूसरी तरफ दर्शन करें, तो वो अगर जनता के भक्तों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। दरअसल अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अब यहां पर आंख में धूल झोंका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना धंधा चला रहे हैं। क्या भगवान राम से बड़े हो गए क्या? यह धर्म नहीं है, यह यहां के एक चतुर वर्ग के लोगों का यह धंधा है। धर्म के नाम पर उनका धंधा चलता रहे तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और यह जनवरी में होने जा रहा, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही पागल होकर भागते हैं ऐसे मामलों। उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे धर्म के जो हिंदू धर्म है उसके अंदर एक आस्था जुड़ी हुई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। पूर्व के अंदर उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए थे, उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर भी सवाल उठाया था, तो रामचरितमानस की चौपाई सवाल उठाने के बाद में भी उन्होंने कई ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां भी की थी जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाता है। तो मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से पगला चुके हैं, उनको किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, जाके दवाई लेनी चाहिए। वाराणसी में ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आज पेश हो सकती है और जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सीलबंद लिफाफे में एएसआई की रिपोर्ट पेश की जानी है। आपको बता दें कि जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, अब करीब 111 दिन के बाद एएसआई रिपोर्ट सौंपेगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सच जानने के लिए बीते 21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, जिस आदेश के बाद एएसआई आज करीब 4 माह बाद अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में जिला जज की अदालत में पेश कर सकती है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर को लेकर एक लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसकी सुनवाई के दौरान जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 21 जुलाई को एएसआई को यह निर्देश दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो वजूखाना है जिसे सील किया गया है उसको छोड़कर पूरे जो ज्ञानव्यापी परिसर है उसका एएसआई सर्वे किया जाए और ये पता लगाया जाए कि ये परिसर कितना पुराना है, चाहे वो उसकी पश्चिमी दीवार हो या फिर उसमें जो बने गुंबद हैं, क्या ये मस्जिद का आधार है या फिर किसी मंदिर पर बनाया गया है। और जो उसमें तमाम कलाकृतियां मिली थी, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी, जो प्रतीक चिन्ह थे, त्रिशूल थे, कमल के निशान थे, आखिर ये कैसे आए, इनकी उम्र क्या है, ये कब बनाए गए थे, इनकी क्या प्रगति है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।